हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बज चुके हैं मॉर्निंग के 9:15 और मेरा काम हो गया। मैं भी नहा धोली, पूजा वूजा कर ली है, फोको भी आ गया और घर में ऑलमोस्ट सब जग गए हैं, बस संस्कृति उठने वाली है। और मुस्कान अभी काम कर चुकी है, सारा काम घर का हो गया है और मैं अभी बनाने जा रही हूँ मतलब चने और मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। और अभी पहले उससे पहले मैं 2-3 अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, स्ट्रेचिंग वगैरह की, वरना फिर बॉडी में पेन होगा मेरे को और प्रॉब्लम होगी। तो अभी करती हूँ गाइस एक्सरसाइज। मैं बनाती हूँ अभी ब्रेकफास्ट, काफी टाइम हो चुका है। तो गाइस अभी बनाने जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट और मैंने योगा वगैरह कर लिया और मैंने नहा धो के मतलब साड़ी मैंने पहन ली है और साड़ी मेरी रखी हुई है तो इसलिए मैं पहन लेती हूँ। और ये ब्लाउज जो है मेरा ये 2014 का है जो इससे मेरा मैच किया है। और तो गाइस मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू के पराठे और अभी मैं गूंद रही हूँ आटा, आटा गूंद के मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। और मैंने बनाए चने, चने को पहले मैंने बॉईल कर लिया, मैं उसमें जीरे और हींग का तड़का मार दूंगी और एक हरी मिर्ची डाल के और एक हम थोड़ा चना मसाला इसमें डाल लेंगे तो हमारा चने रेडी हो जाएगा, बहुत टेस्टी लगता है। और आटा मैं गूंद के फिर तुरंत बनाऊंगी पराठे, क्योंकि बच्चे आलू प्याज के पराठे खा लेते हैं इसीलिए चने बने कम खाएंगे, तो इसलिए मैं ये फटाफट कर लेती हूँ। काफ़ी लेट हो गया, 10:00 हो गए हैं क्योंकि मॉर्निंग में तो काम हो गया था बट स्टार्टिंग में ना मैंने आज एक एप्पल खा लिया था और तो थोड़े से कच्चे चने खा लिए थे बस और ग्रीन टी पी थी तो इसलिए मुझे भूख भी कम है और बच्चे थोड़े लेट ही उठे उनको थोड़ी भूख कम ही लग रही होगी।
गाइस मैंने चने बना दिए, इसमें तड़का मार दिया जीरे वीरे का, अब चने हो जाएंगे रेडी। और जब तक मैं काट लेती हूँ, मतलब एक हरी मिर्ची इसके अंदर काट देती हूँ। आलू के लिए ऑलरेडी मैंने वो पेस्ट करके तैयार रखा हुआ है, आलू को कस के मैंने रख दिया है। चने रेडी हो जाएंगे, मैं और हस्बैंड भी खाएंगे चने। तो गाइस बन रहे हैं आलू के पराठे और चाय बन रही है इधर, और चने हो चुके हैं। और संस्कृति को मिल गई दो टी शर्ट पापा की, एक मेरा आएगी एक हमारा। संस्कृति को मैंने दो टी शर्ट दे दी है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो। संस्कृति नहाने जा रही है 11 बजे, 10 बजे से टाइम था पढ़ने का गाइस, 10 बजे नहाने जा रही है। मुझे दो पापा की टी शर्ट मिल गई है, एक मेरी है गाइस, ये वाली कॉटन वाली। कुछ नहीं मिल रहा आपको? क्यों? क्योंकि इनकी अलमारी भरी हुई है, ओवरलोड हो गई। तो गाइस मैं ओवरलोड टी शर्ट पे साड़ी पहन रही हूँ। तो गाइस मैंने इस टाइम दिखा पहन पहन के टी शर्ट पे साड़ी पहनी हुई है। हेलो गाइस, कुर्ते पे साड़ी, गाइस देखो कुर्ते पे पहन सकते हैं। देखो गाइस सलाह। तो गाइस बन रहे आलू की यम्मी यम्मी पराठे, और जिन्हें मैं भी खाऊंगा और आप भी खाना, और जी भर के खाना गाइस। मुझे नहीं पता चल रहा मुंह किधर है, आंखें किधर जाएंगी, लेकिन तुक्के से बात कर रहा हूँ। आंखें मेरी इधर जाती है, गोल डर। मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है, और ब्रेकफास्ट में अभी कर रहे हैं हस्बैंड ब्रेकफास्ट, और संस्कृति गई नहाने, पत्थर भी ब्रेकफास्ट है, मैं भी अपने लिए लगाती हूँ, आप भी खाइए गर्म गर्म पराठे एंड चने। तो गाइज आफ्टरनून के बज रहे हैं 2, और वत्सल और संस्कृति को करा रही हूँ होमवर्क, जो हॉलीडे होमवर्क वगैरह आया है वो थोड़ी प्रैक्टिस करा रही हूँ, क्योंकि इनके एग्जाम जैसे ही जून खत्म होगा तो जुलाई में एकदम से फर्स्ट वीक से स्टार्ट है, तो उसी की प्रिपरेशन करा रही हूँ। वत्सल बहुत स्लो करता है, तो इसी को लेके बैठना बहुत जरूरी है। हिंदी में तो बहुत मिस्टेक करता है वत्सल, बहुत ही ज्यादा करेक्शन कराना पड़ता है, बहुत ही गलतियां करता है। पढ़ता नहीं, पढ़ता पढ़े बोल रहा है, पढ़ता हूँ। हाँ ज्यादा क्यों नहीं पीते बच्चे, पढ़ता है करवाया मैंने हिंदी में माई हेल्प यानी मेरा परिचय, और अभी ये इंग्लिश में लिखेगा माई इंट्रोडक्शन, 5 से 6 लाइन इसको लिखनी है, देखते हो। अब इसमें तो हिंदी में मैंने हेल्प किया, पर इंग्लिश में मैं हेल्प नहीं करने वाली हूँ इसकी, इधर कर रही है संस्कृति मैथ के सवाल। आज का ट्यूशन भी है, मुझे लग रहा है मैम ने भेज दी थी, वरना तो करती भी नहीं है। तो गाइस अभी बन रही है खिचड़ी, और दोपहर के बच्चों का 2:30, और बच्चों को खानी खिचड़ी, क्योंकि हमने किया था ब्रेकफास्ट लेट तो इसीलिए लेट हो गया। अभी बन चुकी है खिचड़ी, और कोको भी आ गया है नीचे, मेरी बच्ची आ गई है कुछ खाने के लिए। गाइस मैं खिचड़ी छोड़ के आ गई हूँ, बच्चों ने चला रखा है तेज आवाज में टीवी, और बाहर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। और अभी लंच में बन रही है सिर्फ खिचड़ी और दही रहेगी, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट लेट किया था तो बहुत ही ज्यादा मतलब हैवी हो गया था, तो अभी इस समय भूख बिल्कुल भी नहीं है। इवनिंग के बच चुके हैं 5:30, संस्कृति आ गई है ट्यूशन पढ़ के, वत्सल जाएगा 6 o'clock अभी बर्थडे पार्टी में, तो मैं थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह कुछ बना देती हूँ। हेलो गाइस, हेलो सासु जून जून में तो हमें सोच कर। हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो। तो गाइस फाइनली बना रही हूँ मैं मैंगो शेक, और मैंगो शेक पी के जाएगा वत्सल अभी पार्टी में, फिर
टन टनान। तो गाइस हो गया मैंगो शेक बिल्कुल रेडी और मैं लगा रही हूँ 3 ग्लास में, क्योंकि वत्सल तो बहुत कम पिएगा। एक ग्लास को जाते भर लेती हूँ, एक में मैं और वत्सल पी लेंगे। टन टनान आपके लिए। गाइस मैंने शेक वेक पिला के वत्सल को भेज दिया पार्टी में। संजू गई उसको छोड़ने दूसरे ब्लॉक में है वो, तो लिफ्ट से 7th फ्लोर पे जाना था तो संस्कृति उसको छोड़ने गई है। तो गाइस आज के ब्लॉग में यही एंड करती हूँ। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, उससे मेरे नए नए नोटिफिकेशन आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।